अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सुपर सिंपल इजी एंड क्विक केक की रेसिपी, और इसका नाम है चॉकलेट एंड मिल्क केक। इस केक को बनाने के लिए ना तो आपको अंडों की ज़रूरत है ना ही मक्खन की, और ये विदाउट अवन बन जाता है बहुत आसानी से। ऑन टॉप ऑफ दैट ये वन बोल केक है। तो आइए इस ज़बरदस्त सुपर यम्मी केक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक कप मैदा, 6 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर प्लस 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको छान लें। इसके बाद 3/4 कप चीनी। अगर आपको बिल्कुल फुल तेज़ मीठा चाहिए तो 1 कप चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐड किया है मिल्क 1/2 कप, 6 टेबलस्पून जाएगा ऑयल, और वैसे अगर बटर आपके पास आसानी से है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर ऐड किया 3/4 कप गरम पानी। पानी को आपने गरम कर लेना है चूल्हे पर, और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में गरम कर लें। बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लें, स्मूद होना चाहिए। अब यहाँ पर ली है माइक्रोवेव सेफ बेकिंग डिश 8x6 इंचेस की। आपके पास जो डिश अवेलेबल है राउंड शेप में, ओवल में, उसमें आप इस केक को बेक कर सकते हैं। थोड़ा सा टैप करें, और अब मैं इसको पहले माइक्रोवेव करने जा रही हूँ फॉर 2 मिनट्स, फिर मैं देखूँगी और फिर कंटिन्यू करूँगी। यहाँ मेरे पास टोटल 5 मिनट लगे और केक बेक हो गया। 20 या 30 सेकंड मैंने ऊपर किया था माइक्रोवेव बस, और यहाँ पर ये यह अब आप देखें 2 मिनट के बाद केक की शक्ल कुछ इस तरह से है। ये डिपेंड करता है माइक्रोवेव की पावर पर कि कितना टाइम लगेगा। मे बी 4 मिनट लगे, मे बी 5, 6 या 7 मिनट भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए परफेक्टली केक जो है वो बेक हो चुका है। अब केक को इसी पैन में आपने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। जब केक ठंडा हो जाए तो एक टूथपिक लेके आपने इस तरह से पूरे केक में होल कर लेना है। फिर 3/4 कप दूध लें। रेगुलर उबला हुआ इस्तेमाल कर लें तो बेटर है। उस दूध में मिलाएं 2 टेबलस्पून के जितनी चीनी, मिक्स करें और पूरे केक के ऊपर इस तरह से डाल दें। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं इसकी एक टॉपिंग तैयार कर रही हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल, क्विक एंड ईजी। 3/4 कप ली है हैवी व्हिपिंग क्रीम ठंडी, और शामिल की है 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। बस अब क्रीम को आपने व्हिप करना है इतना कि स्टिफ पीक्स बन जाए, यानी कि वो थिक हो जाए, बिल्कुल जिस तरह केक पर लगाई जाती है उतनी थिक हो जाए। और यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट इसको बीटर से बीट किया, और उसके बाद मैं हैंड विस्क से इसको बीट करती हूँ ताकि ये ओवर व्हिप ना हो जाए। तो यहाँ पर ये व्हिप्ड टॉपिंग तैयार है, जो कि इस केक के ऊपर पूरी आपने लगा देनी है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं तो आप इसके ऊपर मिल्क पैक क्रीम ऐड कर सकते हैं, और इंडिया वाले जो हैं वो अमूल क्रीम, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये सेट है, इसको 30 मिनट फ्रिज में रख रही हूँ सेट होने के लिए। मीनवाइल तैयार कर लेते हैं चॉकलेट गनाश। गनाश बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। हैवी व्हिपिंग क्रीम को मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म किया है, और 1/4 कप है क्रीम, और साथ में 7 टेबलस्पून के जितनी सेमी स्वीट चॉकलेट इसमें मैंने ऐड कर दिए। थोड़ी देर छोड़ दें, तकरीबन 2 मिनट, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। गनाश रेडी हो जाएगी। जब थोड़ी ठंडी हो जाए तो केक के ऊपर पूरी डाल दें। रोटेट करके आप इसको पूरा जो है वो फैला लें, और फिर केक को 1 से 2 घंटा फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर सिर्फ 30 मिनट हुए हैं, इसको मैंने फ्रिज में रखा है और निकाल लिया है। उसका रीज़न ये है कि किरत भी ये केक मांग रही है, हस्बैंड भी इंतज़ार कर रहे हैं, और अनाया तो यहाँ किचन से जा ही नहीं रही, उसकी नज़र इस केक पर ही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। ऐसे में 1-2 घंटा तो मतलब मुश्किल ही था कि फ्रिज में रहता। अच्छा, ये किरत मेरे पास ही बैठी हुई है, और ये आप सबसे कुछ कहना चाह रही है इस केक की तारीफ में। किरत बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मैंने केक की 2 स्लाइसेस खाए और मुझे बहुत मज़ा आया है। आप सब लोग भी ट्राई करें बना के। हाँ, और फिर हमें फीडबैक दें और बताएं कि केक आप लोगों को कैसा लगा।
उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अब ये कि अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं तो परेशान बिल्कुल मत हो, आप इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। मिल्क पैक का तो मैंने बता ही दिया था कि आप वो क्रीम यूज़ कर लें, इसके अलावा आप न्यूटेला स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कोई घर में रखी हुई चॉकलेट लें, मिल्क चॉकलेट, उसको आप मेल्ट करें, वो भी इस केक पर डालकर आप खा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।